अभी चंद दिन पहले आपने देखा कि एक मुल्क का पाकिस्तान के खिलाफ बयान आया था, इसराइल का शैतानी चरखा, और मुल्क के खिलाफ साजिश में जो मुलव्वस थे उनको अल्लाह ताला ने उनकी साजिशों को दफन कर दिया। देखो ये आपका फैसला है इलेक्शन में आपने किसको वोट देना है, लेकिन फैसला आपने हकायक को देखकर फैसला करना है। चीनी का स्कैंडल मेरे जमाने में तो नहीं हुआ, गंदम का स्कैंडल मेरे जमाने में तो नहीं हुआ, तो घड़ी का स्कैंडल वो हमारे जमाने में तो नहीं हुआ, 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड काबीना से धोखा किया गया वो नवाज शरीफ के जमाने में तो नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नवाज शरीफ को मुझे वोट दें, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हकायक पर मबनी तस्वीर, इन्हीं हकायक के ऊपर आपने फैसला करना है, और फिर जो भी आप फैसला करेंगे हम उसको दिलो जान से मानेंगे, जिसको भी आप आगे लेके आएंगे उसको हम तस्लीम करेंगे। अगर आपने नवाज शरीफ को अपने इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज दिन रात उनको हाजिरी का हुक्म देते थे बिला नागा कि आप पेश हो अदालत में, और इमरान नियाजी को बास जज दिन रात उनको जमानतें देते हैं। यह है वो फर्क।